So students, in our previous lecture, we have studied about spermatogenesis. That is a part of gametogenesis. Spermatogenesis हमने पढ़ा था और spermatogenesis में हमने क्या देखा था? Sperm का formation. Okay. Now in this lecture, we will be studying about the structure of sperm. अब जरा sperm का structure हम देखते हैं, ठीक है? Detail structure. जो कि दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, अगर नीट बोले या बोर्ड लेवल बोले दोनों में पूछा जाता है. ओके, सो स्पर्म, सो वी नो दैट दिस स्पर्म इज व्हाट, इट इज अ मेल गैमेट. ओके, फॉर्म ड्यूरिंग विच प्रोसेस? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एज ए सेड, it is what, it is a bit elongated hota, utna bhi elongated nahi, theek hai, motile structure hai. Okay, and it is divided into three parts, head, neck and aisa bolte head, middle piece and tail. Theek hai, beech mein neck bhi aa jata hai. Hum wahan pe ek ek part ko dekhte hain. Now to diagrammatically samajhte hain isko. This is the head region. Okay. Head region. And this is a tail. Sorry, not tail. This is the middle piece. ये मिडिल पीस हो गया. देखिए इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखना हम लोग को, और यहां से टेल स्टार्ट हो रहा है. ओके, लाइक दिस. सो इन हेड, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये हेड हो गया, ये मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है. अब हेड रीजन में क्या होता है? हेड रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है. देयर विल बी न्यूक्लियस. वन सेकेंड. सो यहां पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा. दिस इज अ न्यूक्लियस. जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में जो मैच्योर स्पर्म होता है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है. न्यूक्लियस जो होता है वो कंडेंस होता है. तो अब देखिए न्यूक्लियस भरा है, रेड कलर का मैंने बनाया वहां पे. एंड देयर विल बी व्हाट एट द टिप, और यू कैन से टॉप ऑफ द न्यूक्लियस, देयर विल बी एक्रोसोम. ओके, यहाँ पे ये आपको एक्रोसोम मिलेगा टॉप पे. ओके, दिस इज द एक्रोसोम. ओके, ये टिप पे देखिए एक्रोसोम मिल रहा है, उसके नीचे क्या न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में न्यूक्लियस क्या करता है, ये हैप्लोइड क्रोमोसोम होगा. यहाँ पे एन लिख दिया मैंने. ओके, एंड वी नो दैट सब्सटेंसेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, नाउ इसको जो मैं एक्रोसोम कह रहा हूँ, इस एक्रोसोम में क्या होता है बच्चों, देयर आर सम एंजाइम्स. यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में हेल्प करता है, ठीक है. जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा होता है तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करता है. ओके, तो मैं आप लिख देता हूँ इसके बारे में, आप लोग के लिए आसानी होगी. दिस इज एन एक्रोसोम. एक्रोसोम तो ये जो मेम्ब्रेन हो गई, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ठीक है. मैंने इसको एक्रोसोम करके डिनोट किया है, ठीक है. उसका मेम्ब्रेन होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म का, तो उसके नीचे आया एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक्रोसोम का. अब इस एक्रोसोम में क्या मिलेगा हमको, ठीक है. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्रोसोम बनता किससे है. ओके, दिस एक्रोसोम इज फॉर्मड ऑफ गॉल्गी बॉडीज, ठीक है. ये मॉडिफाई होता है गॉल्गी बॉडीज से. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसके बारे में, दैट गॉल्गी बॉडीज मॉडिफाइज टू फॉर्म एक्रोसोम. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज फॉर्मड ऑफ गॉल्गी बॉडीज. आप लोग ने पढ़ा होगा गॉल्गी बॉडीज के बारे में, वेसिकल्स बोला जाता है.
Golgi bodies. It is one of the cell organelle. Okay. Now this acrosome will contain three enzymes. यहाँ पे कितने एंजाइम्स पाए जाएंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्री एंजाइम्स. नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स? दीज एंजाइम्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल हायालुरोनिडेज. सबसे पहला एंजाइम का नाम है हाया, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, हायालुरोनिडेज. ओके. सेकेंड इज न्यूर एमिनिडेज, एन ई यू आर AMINIDASE. And the third is Zonalysin, ZONALYSIN. तो ये तीनों एंजाइम का जो रोल है उसे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम में. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जब हम पढ़ेंगे तो तीनों एंजाइम का मैं सेपरेटली आपको रोल बता दूंगा आने वाले क्लास में. नाउ तो मैंने क्या बोला, अभी अभी ये एक्रोसोम है. ठीक है, ये एक्रोसोम का मेम्ब्रेन है. एक्रोसोम में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तीन एंजाइम्स. ठीक है, हायालुरोनिडेज, न्यूरामिडेज एंड जोनालाइसिन. एक्रोसोम किससे बन रहा है? मॉडिफिकेशन किसका है? ये गॉल्जी बॉडीज का. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे देता, आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, आपको मिल जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट, अब मैंने इसको क्या कहा, ये है न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस में क्या है बच्चों? न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमोसोम्स होगा, ऑब्वियस सी बात है. मैं यहाँ पे सबका सिग्निफिकेंस लिख के जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस अच्छे से. न्यूक्लियस कॉन्टेंस व्हाट? इट विल कॉन्टेंस हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो हैप्लोइड को मैं एन लिख रहा हूं. ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि अगर मेल में 46 नंबर क्रोमोसोम है तो स्पर्म में कितना होगा? 23 क्रोमोसोम. नाउ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, तो ये तो रहा बच्चों हेड के बारे में. ठीक है, ये जो पोर्शन हमने अभी अभी कंप्लीट किया, दिस इज द हेड रीजन. मैं आप लिख देता हूं द फर्स्ट पार्ट हेड. तो हेड में बच्चों हमें क्या क्या मिला, पहले मैं बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये. ठीक है, उसके अंदर में क्या मिल रहा है हमको? एक्रोसोम मिल रहा है. एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं. तीन एंजाइम्स का नाम आप लोग को याद रहना चाहिए, हायालुरोनिडेज, न्यूरामिनिडेज एंड जोनालाइसिन. ओके, एक्रोसोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉल्जी बॉडीज. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस विल कंटेन व्हाट? इट विल कंटेन हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मेल के केस में, मेल ह्यूमन, तो कितना होगा? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, नाउ द नेक रीजन. अब अगर हम इस रीजन का बात करें बच्चों, जिसे हम बोल रहे हैं नेक रीजन, हेड का तो काम खत्म हो गया, अब नेक देखते हैं. तो नेक कैसा रीजन आप लोग देख लो, कॉन्स्ट्रिक्टेड है. ठीक है, इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, इट इज शॉर्ट. ठीक है, ये शॉर्ट है. और कहां पाया जा रहा है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? बिटवीन व्हाट? हेड एंड द मिडिल पीस. ठीक है, ये मिडिल पीस हुआ और ये हेड हुआ, तो दोनों के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोल रहा है? नेक बोल रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बारे में, नेक रीजन के बारे में? इट इज शॉर्ट, और यू कैन से वेरी शॉर्ट. ओके, देन प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस. मिडिल पीस. ओके, एंड व्हाट इट कॉन्टेंट्स? अब यहां पे क्या पाया जाता है बच्चों? यहां पे हेड एंड मिडिल पीस तो चलो ठीक है. ठीक है, ये नेक रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं. ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. ठीक है, इस रीजन में आपको दो सेंट्रियोल मिलेंगे. ये जो रीजन है ये नेक रीजन. ओके, एक थोड़ा ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, और जो ऊपर वाला रहता है वो थोड़ा न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है. ये देखिए, ये पहला सेंट्रियोल हुआ और इसके नीचे होगा दूसरा सेंट्रियोल. ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है। ये दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है, ये पहला सेंट्रियोल है, दूसरा सेंट्रियोल। तो पहला जो ऊपर है इसको बच्चों क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे वाला जो है इसको हम कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स राइट द डिस्क्रिप्शन। ये हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके, और ये जो है इसको बोल रहे हैं हम डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ओके। एंड यू नो दैट दिस सेंट्रियोल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता है या नहीं होता है, यस और नो? से यस और नो, इफ सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल और नॉट, बोलिए। हेलो, यस सर, यस सर, क्या ये सर, क्या सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इन वीडियो कमेंट्स वहां पे लिख करके बताइएगा, ये आपको आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है बच्चों। सेंट्रियोल प्लांट सेल में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ठीक है, एनिमल सेल में तो मैंने बताया आपको पाया जाता है, प्लांट सेल्स में आप बताओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो सेंट्रियोल हो गया, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि आखिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का रोल क्या है, ठीक है, सो व्हाट इज द रोल, सो लेट्स डिस्कस दैट वन। अब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, ये क्या करता है, फेज में रोल प्ले करता है, जायगोट का जो क्लीवेज है उसमें रोल प्ले करता है, ओके। जायगोट, जायगोट का बनता है बच्चों व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, ठीक है, तो जब जायगोट बनता है तो जायगोट के क्लीवेज में, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज में ये रोल प्ले करता है, कौन, तो प्रॉक्सिमल सेंटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट प्लेज अ रोल इन फर्स्ट क्लीवेज, सबसे पहला क्लीवेज, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जायगोट, ओके। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक है, ये तो देखिए, ये तो सेंट्रियोल जो है प्रॉक्सिमल वाला क्या कर रहा है, जायगोट के डिवीजन में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये क्या करता है, तो ये एक्सियल फिलामेंट को राइज देता है, ठीक, मींस एक्सियल फिलामेंट यहीं से निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहां से मैं रेड कलर का एक्सियल फिलामेंट बना रहा हूं, ओके, लाइक दिस, दिस इज द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो कहां से राइज हो रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल से बच्चों, ओके, डिस्टल सेंट्रियोल से आपको ये एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है रेड कलर का, ओके, सो ये जो एक्सियल फिलामेंट ये पूरा टेल रीजन तक, मतलब टेल के टिप तक जाता है, ओके, इट रन्स डाउन द टिप, ओके, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट्स, वेरी गुड आरिफुल इस्लाम, ओके। नाउ सो यहां पे देखिए, यहां पे जो ये मैं बता रहा हूं, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, एक्सियल फिलामेंट, ओके, हमेशा याद रखिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस मतलब आपको मिल जाएंगे, ओके, ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम आएगा एक ही क्वेश्चन, ओके, मींस फोर मार्क्स अगर आता है तो। नाउ तो क्या कहेंगे हम, डिस्टल सेंट्रियोल क्या कर रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल इज गिविंग राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज गिविंग राइज व्हाई इट इज नॉट राइटिंग, इट इज गिविंग राइज टू एक्सियल फिलामेंट, ओके, ऑफ स्पर्म, और वो जो एक्सियल फिलामेंट है वो कहां तक रन कर रहा है, पूरा टिप तक, मूविंग ऑन टू दिस वन, ओके, द मिडिल पीस, हेड रीजन कंप्लीट हुआ, नेक रीजन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब हम चल रहे हैं मिडिल रीजन पे, ठीक है, मिडिल पोर्शन पे, अब मिडिल पोर्शन में क्या होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ओके, देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, वन सेकेंड, इस तरह का यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल मिलेगा, वन लाइक दिस, दिस आर द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, लाइक दिस,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है लाइक दिस, इस तरह का कुछ ये हो गया, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, डायग्राम एकदम ही आसान है, ठीक है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड वन, इट इज सिंपल वन, ठीक है। अब यहाँ बीच में आकर के ये टर्मिनेट हो जाता है, फिर लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, ओके ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कॉइल्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉइल्ड हो रहा है ना, कॉइल्ड, इट इज कॉइल्ड लाइक दिस, ये कॉइल्ड है, ठीक है। इट इज कॉइल्ड अराउंड व्हाट, ये किसके अराउंड में कॉइल्ड है, एनीबॉडी हु कैन गिव मी द आंसर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसको कॉइल कर रहा है, मींस किसके अराउंड ये घिर घिर के आ रहा है, बताइए। एक्सिलामेंट वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सिलामेंट ओके, थैंक यू। एक्सिलामेंट ओके ओके ओके, सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉइलिंग अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, ये कॉइल्ड हो रहा है, ठीक है, कॉइल्ड अराउंड एक्सियल फिलामेंट, ओके। एंड व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग एनर्जी ड्यूरिंग स्पर्म मूवमेंट, इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म का जब मूवमेंट होता है तब उस समय ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। ओके नाउ यहीं पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए जो नीचे में मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक गोल गोल दिख रहा है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, ये रिंग सेंट्रियोल कहलाता है, ठीक है, राउंड है, रिंग सेंट्रियोल कहलाता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस, दिस रिंग सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस एंड इट्स फंक्शन इज अननोन, इसका फंक्शन अब तक पता नहीं चला बच्चों, ठीक है। यहाँ एंड में देखिए मैंने ब्राउन कलर का बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रिंग सेंट्रियोल यहाँ पे पाया जा रहा है, मैंने अभी डार्क कर दिया, ठीक है, ये कहाँ पाया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस एंड इट्स फंक्शन इज अननोन, ओके, अंडरस्टूड और नॉट टिल नाउ, इट इज क्लियर एवरीबॉडी, इट इज क्लियर टिल नाउ, ओके। सो नेक्स्ट इज टेल, द लास्ट पोर्शन इज टेल रीजन, ठीक है, और ये टेल कैसा होता है बताइए, टेल कैसा है, वेरी लॉन्ग, इट इज लॉन्ग, ओके, अगर दूसरे पार्ट्स का बात करें तो टेल कैसा है, लॉन्ग है, इट इज लॉन्ग, देन कॉन्टेंस व्हाट, एक्सियल फिलामेंट, यहाँ भी एक्सियल फिलामेंट होगा, ओके, एंड सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी होगा, ओके, इट कॉन्टेन्स एक्सियल फिलामेंट, ओके, सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, तो दिस इज द ह्यूमन स्पर्म, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में, ह्यूमन स्पर्म, ओके, नाउ दिस स्पर्म इज व्हाट, इट इज अ मेल गैमेट फॉर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर, ओके, कंटेनिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, इसको नेक कहा जाता है, ठीक है। नाउ द हेड रीजन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस विल कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, एंड एक्रोसोम क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसमें एक किसका मॉडिफिकेशन है, गॉल्गी बॉडीज का, और तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से तीन एंजाइम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायलुरोनिडेज, न्यूरोमिडेज एंड जोनालाइसिन, आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। नाउ द नेक रीजन हैज टू सेंट्रियोल, एक ऊपर एक नीचे, जो ऊपर पाया जाता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं बच्चों, और जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहता है, मिडिल पीस के नजदीक रहता है, ठीक है, उसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं।
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या रोल है, तो ये क्लीवेज में हेल्प करता है, ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या रोल है, वहां से एक्चुअल फिलामेंट डिराइव होता है। नाउ द मिडिल पीस, मिडिल पीस है जो आट माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किसके इर्द गिर्द राउंड मारता है, स्पाइरली अरेंज है, तो एक्चुअल फिलामेंट के एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस देयर विल बी रिंग सेंट्रियोल, इसका फंक्शन पता नहीं है, ठीक है, मींस टिल नाउ ये पता नहीं चला है। ओके नाउ तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कब, तो स्पर्म के मूवमेंट में, ठीक है। नाउ द टेल, टेल क्या है, इलोंगेटेड है, मींस लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी एक्जियल फिलामेंट होता है और साइटोप्लाज्म का थोड़ा पतला सा लेयर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्पर्म। आप लोग इसको नोट करके मुझे दिखाइएगा, दिस इज योर होमवर्क। ओके सो नाउ कुछ नोट्स देखते हैं। ओके नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों स्पर्म वैसे तो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके और डिफरेंट स्टेजेज ऑफ स्पर्म्स भी मिल जाएंगे वहां पे, बट अगर क्वेश्चन पूछा द फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, ठीक है, वेयर द फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस, तो अगर ये क्वेश्चन रहा द फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, ओके वेयर इट होना चाहिए, द फाइनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमिस। ओके ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइनल मैच्यूरेशन कहाँ होगा बच्चों, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का मैंने आप लोग को रोल बताया है, ठीक है, वहां भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ओके नाउ द सेकेंड पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट, ये पहला था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जो स्पर्म है, स्पर्म मैंने कहा स्पर्म कैसा है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हम माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं, एंड मोटाइल, मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है। ओके वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज दैट, जो स्पर्म होता है वो कितने समय तक फर्टाइल होता है, ठीक है, या एलाइव होता है। बच्चों में क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते हैं मुझसे, बच्चे एक बार पूछे भी थे ना, अब इनिशियल डेज में स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है, सो स्पर्म रिमेन्स अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, एक तो एलाइव कितने दिन तक रहता है और उसमें एबिलिटी कितना रहता है, मतलब कितने समय तक उसमें एबिलिटी रहता है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या कहेंगे, इट इज 24 to 48 hours, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पर्म रिमेन अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम फ्रॉम 24 to 48 hours, ठीक है, 24 से 48 घंटे तक। ओके ये क्या करता है, फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, आफ्टर बींग एंटर्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, आफ्टर एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो बच्चों क्या बताया मैंने यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करने के बाद, ठीक है, स्पर्म कितने समय तक अलाइव रह सकता है या फिर फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को, तो 24 से 48 घंटे तक, उसके बाद नहीं करेगा, समझ में आया, उसके बाद वो एक्टिव नहीं करता है। ओके तो आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने इनिशियल डेज में मुझसे पूछे थे ये सब क्वेश्चन। ओके नाउ अब आप लोगों को मैंने हार्मोनल रोल्स तो पहले भी बताए थे। ओके तो अब जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, एंडिंग है, आप लोग को भी रिवाइज हो जाएगा ये हार्मोनल रोल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस और यू कैन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो बच्चों मैंने कहां से स्टार्ट किया था हार्मोनल रोल में, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और यहां से क्या रिलीज होता है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं। क्या रिलीज होगा, प्लीज टेल मी। वेरी गुड। और यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां से रिलीज होगा आपको GnRH। ओके, GnRH का फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, इट विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फ्रॉम देयर दे विल और इट विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ व्हाट, एंड्रोजन। किस पे एक्ट कर रहा है, LH, LH और ICSH। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट LH, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग व्हाट हार्मोन, ICSH इज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों या इस ये दोनों सेम है, ठीक है। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स कैसा सेल्स है, लेडिक सेल्स आर द इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर फाउंड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है बच्चों, तो एंड्रोजन, ठीक है। ये सब आप लोग को बताया हुआ, ये ऐसे में आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। एंड्रोजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये मैच्यूरेशन में भी हेल्प करेगा। नाउ द अनदर इज FSH, FSH दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां पे एक्ट करता बच्चों, एक लेडिक सेल पे एक्ट किया, दूसरा सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स का क्या प्रॉपर्टी है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस में टेक पार्ट करता है। स्पर्मियोजेनेसिस मींस द मैच्यूरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो सर्टोली सेल्स क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है, स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ What? Some factors which helps in the process of, which helps in the process of spermiogenesis. Already you know that what is spermiogenesis. Got it? So time is not much. Okay, so we are going to continue this in the next session. Thank you.